तो फैमिली कैसे है आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से और कनेक्शन से। लेकिन गाइज मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आप लोग को पता है, मैं कल ही आपको बता चुकी हूँ कि कितने ट्रिगरिंग टाइम्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोग को ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सेफ रीडिंग लिया है कि वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से और देखते हैं कि क्या जो है होने वाला है आप लोग के लिए, कि क्या डिवाइन आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। तो गाइज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइज देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है गाइज, और क्या फील करते हैं वो इस कनेक्शन के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन गाइज इंट्यूटिवली तो जानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग है दूसरों से और यहाँ पे उनको ट्रू लव मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं गाइज उनकी खुद की एडिक्शंस है, उनके खुद की मजबूरियाँ हैं, उनके पास्ट है एक, जिसके वजह से उनको बहुत काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते तो बहुत कुछ है आपके साथ, चाहते तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी है, लेकिन यहाँ पे गाइस जैसे मैंने कहा उनकी एक पास्ट लाइफ है जिसके वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ एडिक्शंस है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ कोडिपेंडेंसी है जिसके वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अप्रोच नहीं कर पाते। लेकिन गाइस ये देखना बहुत आपके लिए पॉजिटिव होगा कि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को इंट्यूशन है कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। वो मैजिशियन बनने के गाइज एक स्टेज पे है जहाँ पे वो मैजिशियन बनेंगे, जहाँ पे वो अपने पास्ट को छोड़ेंगे। और गाइज आपको पता है वो एक लंबा समय होता है, वो सेलिब्रेशन चाहते हैं गाइज। वो देखते हैं आप कितना लविंग हो, आप कितना केयरिंग हो, आप कितने ओल्ड, अपने से बड़े, अपने से छोटे, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, सबसे प्यार करते हो, तो चाहते तो आपके साथ ही सेलिब्रेट करना है गाइज। लेकिन आप लोगों को पता है कि उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि उनको जो सिखाया गया है और जो उनको वैल्यूज़ दिए गए हैं, जिसके वजह से उनको नहीं पता कि उनको सोसाइटी को चूज़ करना चाहिए या आपको चूज़ करना चाहिए। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते तो बहुत कुछ है इस कनेक्शन से, लेकिन वो पॉसिबली फिजिकली वो कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को। चाहते तो वो ये है कि आप उनके मदर का केयर करो, आपके साथ उनके चिल्ड्रेन हो, आपके साथ उनकी लाइफ की सेलिब्रेशन हो, बहुत सारा लव करना चाहते हैं आपको। लेकिन चाहते तो वो इस कनेक्शन से एक हैप्पी लाइफ ही है, एक लव लाइफ ही चाहते हैं वो। लेकिन गाइज वो आपको पता है कि वो डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग नहीं की हुई है, उन्होंने उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कर पाते हैं। पर चलिए गाइज रोमांस एंजल से पूछते कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है गाइज। वो चाहते क्या है और क्या करेंगे, वो दो अलग चीज़ें होती है। तो चलिए गाइज देखते कि क्या करेंगे। आई होप ज़्यादा ट्रिगरिंग ना हो आप लोगों के लिए। लेकिन गाइज देखिए मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे है वो एक गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को चांस देना चाहते हैं, लेकिन अपने फैमिली इश्यूज हील करने के बाद, ठीक है गाइज। डिवाइन मैस्कुलिन आप पे ट्रस्ट करेंगे, कंट्रोल इश्यूज को जाने देंगे, एंड में रिकन्सिलिएशन भी करेंगे। लेकिन गाइज ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन तभी भी यहाँ पे वेरी सून का कार्ड आ रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है गाइज, डिवाइन मैस्कुलिन जो है अक्टूबर में आपको आकर के एक लव अफेयर, मतलब लव लाइफ ऑफर कर सकते हैं। लेकिन चाहते वो करेंगे आप पे ट्रस्ट और वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो, ताकि वो अपने फैमिली इश्यूज, अपने पास्ट को, अपनी हीलिंग करके ही वो इस रिलेशनशिप को एक चांस दे पाए, ताकि कुछ भी पास्ट का जो है अभी उनकी लाइफ को अफेक्ट ना कर पाए। डिवाइन मैस्कुलिन जो है मैजिशियन बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब चीज़ें जो है, बेसिकली उनका नेचर होता है कि हमको सब पता है और हम सब सही करते हैं। तो इसमें से निकलना गाइज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो जानते हैं वो सब सही जानते हैं, बाकी सब बकवास है, हमने जो सीखा है, हमने दुनिया देखी है। तो इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा
जो है अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो जो जानते हैं वो उसी के ऊपर एक्ट करना चाहते हैं, और वो उसके ऊपर इतने ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि वो किसी को मतलब इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, किसी को इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है वो, किसी के अपने किसी कोई भी जो उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाए मतलब वो उनको गलत ही समझते हैं। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा, अगर आप न्यू हैं तो आपको थोड़ा नहीं बहुत पेशेंस रखना होगा। लेकिन गाइस लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन आपने खुद देखा, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लव लाइफ चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो क्वालिटीज़ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके साथ आके रहने के लिए। मैं आपको बार बार समझाती हूँ इस वीडियो में, जो उनके क्वालिटीज़ है अगर वो उनके साथ आपके पास आए, अभी आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे जैसे वो है, लेकिन एक लंबे रन में आप उनके साथ नहीं रह पाओगे या वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। स्टार्टिंग में गाइस आपको पता है लव सीन जो रहता है, बबल फेज जो रहता है, जिसमें नॉर्मल कपल लाइफ में भी या मैरिड लाइफ में भी कुछ जो स्टार्टिंग के 5-4 महीने रहते हैं वो सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सब खराब लगने लग जाता है, हर गलती सामने आने लग जाती है, हर गलती गलती लगने लग जाती है। तो आप उसके वैसे के साथ आप अपने लंबे समय को, लंबे टाइम को, एक फुल लाइफ टाइम ऐसे पर्सन के साथ आप इमेजिन भी नहीं रह भी नहीं पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकल होते तो आप सोच पाते, पर फेमिनिन्स जो है गाइस प्रैक्टिकल नहीं होती है और अपने माइंड को चलाती रहती है हर बार। फेमिनिन्स को सब एक्सेप्टेड रहता है, लेकिन बाद में फेमिनिन्स को ही वो पसंद नहीं आता, फेमिनिन्स को ही एस्केप करना होता है हर चीज़ से। तो अगर आप वो कमिटमेंट लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं, और हम जानते हैं हम कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं हम कैसे, भगवान जानते हैं हम कैसे हैं, तो हमसे बेटर जो है भगवान ही हमको जानते हैं। तो भगवान पे विश्वास रख के बैठ जाइए कि भाई ऐसे क्वालिटीज़ वाले पर्सन हम उनको लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आज, और क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमको। ओके स्वीट हार्ट, यू आर द ओनली वन दैट मैटर्स टू मी। तो गाइस कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत सोचते हो आपके बारे में, आपके खुशी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मैटर करते हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। अगर किसी चीज़ किसी पर्सन से उनको फ़र्क पड़ता है तो वो आप हो, लेकिन आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है बहुत कुछ। तो चलिए गाइस, इट्स ओके फॉर यू टू डू योर थिंग टिल आई कम टू यू फील फ्री टू लिव योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन आपको इनडायरेक्टली सही कह रहे हैं कि अपना काम करो, ठीक है, जब तक मैं नहीं आता तब तक अपने ऊपर ध्यान दो। ये डायरेक्ट मैसेज है, ये एक क्या कहते हैं इसको, शुगर कोटेड मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन से कि ठीक है तुम अपना काम करो, जब मैं आऊँगा तब मैं आऊँ, फ्री होऊँगा तब मैं आ जाऊँगा। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस मैसेज को गाइस, कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपना काम करो जब तक वो खुद आ जाए आपकी लाइफ में। तो चलिए गाइस और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। देखिए गाइस उनके एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, ठीक है गाइस, वो चाहते हैं जो भी चाहते हैं वो आपको मुंह पे बताते हैं कि फिलहाल मैं फ्रेंड रहना चाहता हूँ, लेकिन आप जो बात करते हो, ओके गाइस मैं आपको बताऊंगी इसके ऊपर, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी गाइस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बात, हमें नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है, लाइक हिडन इंटेंशंस जो है सामने वाले को पता चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग फ्रेंड्स वो बोले फ्रेंड्स रहते हैं और फ्रेंड्स रह के हम फ्रेंड्स के इसमें बिहेव करने की कोशिश करते कि यस ये आर फ्रेंड्स, लेकिन हमारे अंदर जो वाइब्स होते कि हमको इसी से शादी करनी है, हमको यही चाहिए, वो जो डेस्पो वाइब्स रहती है वो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही जल्दी कैच करते हैं, और उनको गुस्सा भी आ जाता है उस बात पे, ठीक है गाइस। तो आप लोग को ये संभाल के रहना है यहाँ पे कि डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलता है अगर आपने अपने अंदर वो जो फीलिंग्स है, आप उनको बोले फ्रेंड्स, हाँ ओके ओके फ्रेंड्स, लेकिन आप अंदर से बोल रहे हो कि ये कभी ना कभी तो ये मुझे ही मिलेगा, मैं इसको फ्रेंड्स करके रख लेती हूँ ताकि ये मुझसे बात करे, इन द फ्यूचर ये मुझे ही चूज़ करेगा। तो ये सब जो बातें हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ जाती है, वो बहुत इंट्यूटिव है, इसलिए आप लोगों को अपने हिडन इंटेंशंस से नहीं, ट्रू इंटेंशन से उनको फ्रेंड ही के रखने की ज़रूरत है जब तक वो नेचुरली डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है गाइस। और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो सीधे बोल दो कि नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर आप उस ये नाटक करोगे वो समझ जाएंगे और वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है, वो आपको अवॉइड कर सकते हैं, आपको गोस्ट कर सकते हैं। हिडन इनसिक्योरिटीज़ और हिडन वाइब्स जो है डिवाइन मैस्कुलिन बहुत
जल्दी कैच कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, आई हाइड माई इनसिक्योरिटीज बिहाइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको कह रहे हैं कि वो अभी फिलहाल उनको अपने ऊपर ही श्योर नहीं है कि वो कैसे, देखिए गाइज उनको बहुत श्योर है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्या उनको अपने लाइफ में चाहिए, लेकिन वो ये श्योर नहीं है, बिल्कुल भी श्योर नहीं कि वो आपके लायक है। ठीक है गाइज, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ स्टाइल देखी है, उनका आपका रहन सहन देखा है, आपके टैंट्रम्स देखे हैं, शायद वो आपके साथ काम किए, आपके साथ रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड रहे, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं काफ़ी समय तक, तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी सब जानते हैं वो, और आप क्या चाहते हो। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं इस बात पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ लेते हैं। तो आपको अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब करके भागने की कोशिश करें, इस बिकॉज वो नहीं फील करते, वो सिक्योर नहीं है इस कनेक्शन के बारे में जितना आप श्योर हो। ठीक है गाइज, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है तो क्या वो फिर आएंगे मेरे पास, तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। येस ये होगा, येस यूनियन पॉसिबल है, येस ऐसा होता है, येस ट्विन फ्लेम होते हैं, येस ये आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर येस है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, वो भी येस है। ठीक है गाइज, तो आज की रीडिंग को यही ख़त्म कर देते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।